करे जाओगे करे जाओगे करे जाओगे वेस्ट ऑफ मनी 10 out of 10. ओके ओके ओके. हाय क्यूटीज, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स की रिव्यू जो कि मैं यूज की हूँ इस 2-3 साल में. एंड आज मैं जो भी बोलूँगी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि हाउ आई फेल्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. सो पहले स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से. ये शायद 2nd या 3rd ट्यूब है मेरे पास. एंड सेल के टाइम में ना आपको ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट ट्यूब भी फ्री में मिल जाएगा. एंड ये फेस वॉश ना ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है एंड इसमें छोटा छोटा ऐसे माइक्रोबिट्स प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन इट्स वेरी जेंटल गाइज. ओके, सो आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे ये बहुत पसंद है. एंड यस, इसको अगर रेट करना होगा तो मैं उसको रेट करूँगी 10 out of 10. नाउ कम्स टू दिस सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. ये मेरे पास 2nd ट्यूब है एंड ये ना मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती. जब मुझे लगता है कि मुझे पिंपल आने वाला है, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसे पिंपल ऐसे दिखा नहीं होगा स्किन पे, लेकिन आप छूने से आपको पता चल जाता है कि ऐसे दर्द होता है कि हाँ यहाँ पे पिंपल आने वाला है, ऐसे उस टाइम मैं ये फेस वॉश से अपना फेस वॉश करती हूँ. तो ऐसे में क्या होता है ना, अगर पिंपल नहीं निकला होता है और ऐसे दर्द दे रहा होता है कि ऐसे पिंपल आएगा ऐसे, तो ये फेस वॉश यूज़ कर देने से एक दिन में ही वो पिंपल चला जाता है, मतलब और नहीं आता है वो पिंपल. तो इसीलिए मुझे तो ये बहुत ही मैजिकल जैसे लगा, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है. लेकिन हाँ, अगर आपका पिंपल ऑलरेडी स्किन पे दिख रही है तो ये थोड़ा टाइम लगेगा उसको मतलब ठीक करने में. लेकिन ओवरऑल ये पिंपल के लिए मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है. तो मैं इसको रेट करूँगी 8 out of 10. एंड यस, मैं 8 क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसका क्वांटिटी ना मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि इसका प्राइस है 325 और ये फोमी फेस वॉश है, ठीक है. तो ये बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, तो प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ा प्राइसी लगता है. तो इसीलिए मैं इसको 8 out of 10 में काउंट करूँगी. नाउ कम्स टू विटामिन सी सीरम. आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मैं ये 3rd नंबर ऑफ बॉटल यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी का. इसका ना फॉर्मुलेशन बहुत ही स्टेबल है और ये मुझे बहुत ही अच्छा इसीलिए लगा था क्योंकि मैं जब इसको पहली बार भी लगाई थी ना तो मेरे स्किन पे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था. फिर इसको मैं लगभग 3 वीक्स यूज करने के बाद मेरे स्किन थोड़ा ग्लोई दिखने लगा था. तो मैं तब से लेके आज तक यही वाला विटामिन सी ही यूज कर रही हूँ एंड मेरे हिसाब से ये मिलेगा इसको रेटिंग 10 out of 10. नाउ कम्स टू रेटिनॉल सीरम. वेस्ट ऑफ मनी. इसमें ना लिखा है कि 1% रेटिनॉल है, पर इन रियलिटी इसमें रेटिनॉल है ही नहीं. यस, आई नो इट्स शॉकिंग. मैंने भी रो पड़ा था, बहुत दुख हुआ था कि जब मुझे ये पता चला था. एक्चुअल में ना इसमें है रेटिनाइल पाल्मिटेट, ठीक है, जो कि एक एस्टर है रेटिनॉल एंड पाल्मिटिक एसिड का. तो वो ना बिल्कुल भी इतना स्टेबल नहीं है और ये बहुत जल्दी ब्रेकआउट कर देता है. एंड वो ज़्यादा असरदार भी है नहीं, मतलब रेटिनॉल बहुत ज़्यादा असरदार होता है और रेटिनाइल पाल्मिटेट उससे बहुत ही कम असरदार होता है एंड वो बहुत ईजिली ब्रेकआउट भी कर जाता है. तो चारों तरफ से थोड़ा नुकसान ही नुकसान है. तो इतना पैसा देके हम लोग ये वाला क्यों खरीदेंगे, ठीक है. मार्केट में और भी अच्छा वाला रेटिनॉल सीरम मिल रहा है, आप लोग उसको यूज कीजिए, क्योंकि ये ना इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा आपको. आप इसको पूरा यूज करे जाओगे फिर भी बहुत आइदर बहुत माइनर ही डिफरेंसेस दिखेगा आपको, नहीं तो नहीं दिखेगा. तो ये तो पूरा ही वेस्ट ऑफ मनी है मेरे लिए और इसको मैं रेट दूंगी 0 out of 10. इसके बाद है ये व्हाइट टी सनस्क्रीन. ये ना बहुत ही ज़्यादा हेवी है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ है कि नहीं इसमें. एक मिनट. ओके, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हेवी है और ये ना बहुत ही ख़राब व्हाइट कास्ट देता है. मतलब आप इसको अगर जल्दी जल्दी ब्लेंड कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ख़राब व्हाइट कास्ट देता है. तो इसीलिए ये मुझे इतना नहीं पसंद है एंड मैं इसको रेट दूंगी 5 out of 10. देन आता है प्लम का नियासिनामाइड सीरम. ये मेरा फेवरेट है गाइस. अभी कुछ महीने पहले ही ये निकला है एंड मैं ऑलरेडी इसका 2nd ट्यूब में हूँ एंड मैं इसको
मुझे लगता है कि मैं इसको रिपर्चेज ही करती जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये ना एक ग्लोई फिनिश देता है एंड बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता, तो मुझे ये पूरा ड्रीम जैसा लगता है और ना बहुत जल्दी वो ब्लेंड भी हो जाता है। तो ये तो अब मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है, तो मैं इसको ऑब्वियसली रेट दूंगी 10 out of 10। देन आता है प्लम का ऑयल फ्री ग्रीन टी मॉइस्चराइजर। ये ना शायद फोर्थ या फिफ्थ ट्यूब होगा मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास ये दो ही है, ठीक है। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, ऑयल फ्री है एंड ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। बहुत ऐसे क्रीमी जैसे नहीं लगेगा आपको, लेकिन बहुत हाइड्रेटिंग लगेगा। और ये जेल बेस्ड है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत लाइट वेट है, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि विंटर को छोड़ के मैं पूरा टाइम ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर में मुझे थोड़ा ज़्यादा बारी लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर, तो इसको मैं बार बार ऐसे नहीं लगा सकती। तो इसीलिए मैं विंटर में ना एक क्रीमी वाला, एक हेवी वेट वाला मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। बाकी हर टाइम के लिए ये फेस वॉश मेरा 10 on 10 है। ये मुझे बहुत पसंद है एंड मैं इसको हर टाइम लगाती हूँ, आई मीन विंटर के अलावा और बाकी सब मौसम में हर दिन लगाती हूँ। ओके, विंटर में मैं यूज़ करती हूँ ये वाला क्रीम, प्लम का इल्यूमिनेसेंस डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा तीनों का तीनों डब्बा खाली है, मतलब ये ऑब्वियसली मुझे पसंद है इसीलिए मैं लगा रही हूँ। ये ना मैं जैसे कि पहले मैं बोली कि मेरा विंटर का नीड जैसे होता है कि मुझे थोड़ा क्रीमी वाला मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, मुझे ऐसे मॉइस्चराइजर चाहिए होता है कि मैं जैसे कि एक बार लगा लूँ तो मेरा दिन भर जैसे चला जाए, मुझे ऐसे बार बार ड्राई फील नहीं चाहिए मुझे कि ऐसे बार बार फेस ड्राई लग रहा है फिर से मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, ये सब झमेला मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए था कि एक क्रीम में लगा लूँ फिर वो दिन भर वो गुजर जाए। और ये वाला क्रीम ना मेरा वो वाला क्रीम था कि इसको मैं एक बार ही लगा देने से काम खत्म, तो इसके लिए मैं 10 on 10 दूंगी। लेकिन हाँ, ये आप समर में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट है, तो आप ना बहुत स्वेटिंग करोगे ये लगाने के बाद एंड ऐसे हेवी वेट होने से पोर्स भी हम लोग का क्लग हो सकता है। तो समर में यूजुअली आप ना लाइट वेट वाला मॉइस्चराइजर ही चूज करना, ठीक है। एंड हाँ, इसको मैं रेट दूंगी 10 out of 10। सो इसके साथ ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। एंड हाँ, मेरे पास ना प्लम का कुछ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी है, अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं ज़रूर वीडियो बना के लाऊंगी आप सबके लिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।